हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th का 2022 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और मॉडल पेपर से आपको किस तरह प्रिपेयर करनी है आपको बताएंगे और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिलेबस क्या है और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है। तो 2022 का न्यू मॉडल पेपर है, ये यहाँ पर सिलेबस है। यहाँ पर देखिए पहला क्या है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये आपके 5 मार्क्स का होगा। दूसरा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ये भी आपका 5 अंक का होगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या होगा, 2 और 2 4 और 2 6, इसमें आपके संदर्भ, लेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन होगा गद्य हेतु। ठीक है, सेम काम यहाँ पर काव्य में, लेकिन काव्य में यहाँ पर 1 नंबर घटा देगा यहाँ पर और 1 यहाँ पर। 1 नंबर का संदर्भ होगा, 4 नंबर की आपकी व्याख्या और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य, तो कुल मिला के 6 नंबर का होने वाला है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका संस्कृत से होगा। संस्कृत में क्या होगा, संस्कृत में आपका गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको करना है 4 नंबर का। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 होगा निर्धारित पाठों के। प्रश्न 5 निर्धारित पाठों के लेखक और कवियों के जीवन परिचय और रचना, यानी कि 3 नंबर की गद्य के जो लेखक है और 3 नंबर की पद के कवि या कवयित्री, 6 नंबर का होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट होंगे। पहला होगा आपका कोई एक श्लोक जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, पेपर में ना आया हो, 2 नंबर का। उसके बाद 2 अति लघु होंगे संस्कृत के, वो भी 2 नंबर के होंगे। उसके बाद 7वां काव्य सौंदर्य के तत्व होंगे, ये आपके 6 नंबर के होंगे। 2 नंबर के रस, 2 नंबर के अलंकार, 2 नंबर के छंद। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 होगा हिंदी व्याकरण से, उसमें आपके शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और पर्यायवाची। इसमें 3 नंबर के उपसर्ग, 2 नंबर के प्रत्यय, यहाँ पर 2 नंबर के समास, 2 नंबर के तत्सम और 2 नंबर के पर्यायवाची होंगे, तो कुल मिला के आपके 11 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 होगा संस्कृत व्याकरण और उसका अनुवाद, तो ये आपके 8 अंक का आएगा। इसमें क्या होगा, संधि, शब्द रूप, धातु रूप और संस्कृत में अनुवाद। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, इसमें क्या होगा, निबंध रचना होगी। कोई सा भी टॉपिक इनमें से आपको दिया जा सकता है निबंध के लिए, सामाजिक हो, धार्मिक हो, वैज्ञानिक, कुछ भी। खंड काव्य आपका तुमुल खंड है क्लास 10th के लिए, बिजनौर जिले के लिए, बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट कोई से भी होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है ये। तो इसमें यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 11 आपका 3 नंबर का है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्ग है जो कॉलेज स्कूल के हाथ में होते हैं 30 मार्क्स, या आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये 70 नंबर का एग्जाम होगा। अब देखते हैं मॉडल पेपर। तो मॉडल 8400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेपर में जैसा अभी मैंने आपसे सिलेबस बताया आपको, सेम उसी तरह से है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी गद्य से होगा। हिंदी गद्य से 5 नंबर का होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय से है। फिर दूसरा हिंदी पद्य के काव्य के होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही कथन है उसे पहचान कर लिखिए। अब इसमें से आपको पहचान कर लिख देना है कौन सा है। जो भी होगा आप लिखोगे एग्जाम में उत्तर 1 का फर्स्ट राइट। ठीक है, जैसा भी आपको लिखना है तो एग्जाम में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एग्जाम में आपको कॉपी लिखने कैसे है, कैसे मॉडल पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। सेम काम यहीं पर करना है, जो रचनाकार का राइट, इनमें से जड़ की बात, अर्धनारीश्वर, जो आपको याद है इसमें से किसी एक भी रचनाकार का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद गय में इतिहास के पन्नों पर किस विधा पर आधारित रचना है। अब अगर ये कहानी है, नाटक है, जो भी है आप उसको लिख सकते हो। घय भी ऐसा ही है 1 नंबर का और अढ़ भी ठल वक्रब के लेखक का नाम 1 नंबर का। तो 5 नंबर का ये होगा और 5 नंबर का पद्य से होगा। ठीक है, ये सब हिंदी काव्य के साहित्य का संक्षिप्त परिचय है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपका 6 नंबर का होगा, यह आपका होगा हिंदी गद्य का। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, इसमें से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर छांट के लिख देने हैं। गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या है, खाया जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप कर सकते हैं।
उसके बाद आपका प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार में आपका क्या होगा, निम्न गद्यांश में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ से व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश था वहां पर, यहाँ आपका पद्यांश है 6 नंबर का, ठीक है, किसी की भी इन दोनों में से। उसके बाद प्रश्न पांच, आप प्रश्न पांच के दो पार्ट होंगे, क और ख, इसमें गद्य के लेखक और इसमें पद्य के लेखक, जीवन परिचय। उसके बाद प्रश्न छह आपका हिंदी अनुवाद होगा, इसमें आपके पास संदर्भ लिखना है 1 नंबर का और 3 नंबर की संस्कृत की हिंदी में अनुवाद कर देंगे। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 होगा। प्रश्न नंबर 7 क्या है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया होगा कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। 2 नंबर का आपको श्लोक लिख देना है। उसके बाद ख नंबर पार्ट होगा इसका, संस्कृत में इसके आपको उत्तर लिखने हैं किन्नी 4 में से कोई से भी 2 के। उसके बाद करुण अथवा हास्य रस, जैसे मैंने बताया था कि रस 2 नंबर के आएंगे, तो 2 नंबर के इसमें से कोई से रस आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है आपको 2 नंबर में, सोरठा और रोला की परिभाषा 2 नंबर में। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में उपसर्ग आएंगे, प्रश्न नंबर 9 के ख में प्रत्यय आएंगे, ये 3 के होंगे, 2 नंबर के होंगे, और ग में समास आएंगे 2 नंबर के, और घ में आपके तत्सम लिखने हैं 6 में से कोई से भी 2, ड में जो शब्द दिए हुए 5 इनमें से किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने समानार्थी। उसके बाद 10वें का क है, संधि लिखनी है और संधि का नाम लिखिए, ये भी संस्कृत व्याकरण का पार्ट है। विभक्ति लिखनी है इसमें, यहाँ पर धातु लकार पुरुष लिखना है और यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करा जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब आपके पास 5 टॉपिक दिए हुए होंगे, इनमें से आपको 6 मार्क्स में निबंध लिखना है, ठीक है, राइटिंग साफ हो। उसके बाद ये आपका खंड काव्य में से कोई सा भी कर देना है जो आपके जिले के हिसाब से हो, ठीक है, इनमें से जो आपके जिले के हिसाब से है वो आपको कर देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पर कमेंट कर दीजिए, स्पेशली वीडियो बना देंगे कि यूपी के कौन से जिले के लिए आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।